सिर्फ सच। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना। पूरा देश आज पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की दूसरी बरसी मना रहा है। दो साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उनमें से एक अश्विनी कुमार थे, जो कि जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर खुड़ावल गांव के निवासी थे। पुलवामा में शहीद हुए खुड़ावल गाँव के रहने वाले अश्विनी कुमार का परिवार आज भी सरकार द्वारा किए वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। अश्विनी के भाई सुमंत काछी का कहना है कि सरकार ने शहादत के बाद कई वादे किए थे, इनमें से कुछ ही पूरे हुए हैं, बाकी सारे के सारे अधूरे हैं। सरकार ने तो उसकी डेड बॉडी आने के बाद बहुत कुछ घोषणाएं की थी, जैसे 1 करोड़ कमलनाथ ने घोषणा किया था, 1 करोड़ रुपया, 1 आवास, 1 सर्विस के लिए, और कुछ लोगों ने बोला मूर्ति के लिए कि आज हम मूर्ति बनवाएंगे, यहाँ से एक ग्राउंड बनवाएंगे। तो सिर्फ हमारी नज़र में तो कमलनाथ का 1 करोड़ रुपया ही राशि सामने आई, इसके अलावा कुछ सामने नहीं आया। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। परिवार का कहना है कि पैसा तो उन्हें मिल गया, लेकिन अन्य कई वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। अभी तक परिवार के किसी सदस्य को नौकरी नहीं मिली है, और ना ही शहीद के नाम का कोई पार्क बनाया गया है। इसके अलावा अभी तक स्कूल का नामकरण भी शहीद के नाम पर नहीं किया गया। शहीद के परिवार को इस बात की नाराजगी है कि जिस बेटे ने देश के लिए जान दे दी, आज उसी का परिवार सरकारी वादों के पूरा होने के इंतजार में खड़ा हुआ है। सरकारी वादों में से एक तो गांव वालों ने खुद ही पूरा कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने स्वयं ही शहीद अश्विनी की एक प्रतिमा गांव के पार्क में स्थापित करवा दी है। सिर्फ सच।